नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें अमरवाड़ा से आपको दिखाएंगे। प्रचार प्रसार यहां पर चालू है, सीएम पहुंच चुके हैं, सीएम इस रण में उतर चुके हैं। कमलेश शाह के पक्ष में चुनाव प्रचार हो रहा है। धार के पास अमजेरा में रुक्मी से युद्ध हुआ, इंदौर के पास जनापाव में सुदर्शन चक्र भगवान को परशुराम जी ने दिया। ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएगी ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। बोलिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे अपने आदर्शों को हम नहीं लाएंगे, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इतना ही नहीं, आप चिंता मत करना, सहकारी समिति बना लेना। अपने घर में जिनके जिनके घर में दूध का उत्पादन होता है, हाथ खड़े करके बताओ किन किन के घर में दूध का उत्पादन होता है। अभी तक हमारी फसल पे हमको बोनस मिलता था, अब आने वाले समय में दूध उत्पादन पे भी सरकार बोनस देने वाली है, दूध उत्पादन पे भी। अरे, यहां दूध दही की नदियां नहीं बहेगी तो कहां बहेगी? ये तो कृष्ण कन्हैया की धरती है। हरेक के जीवन में एक खुशहाली आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारी सरकार ने तय कर लिया है, भूल से भी अगर कोई गौ माता के ऊपर कोई कष्ट आया तो उसको छोड़ने वाले नहीं है, उन पर लगातार कार्रवाई होने वाली रहेगी। इसलिए लगातार कार्रवाई चल रही है। 7,500 से ज्यादा गौ माताओं को बचाने का काम हमने किया है, 1,000 से ज्यादा लोगों को जेल में बंद किया है, 150 से ज्यादा लोगों पर रासुका लगाई, रासुका जिनने गाय माता की तरफ निगाह टेढ़ी की उसको हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और एक आपकी जानकारी के लिए, पहले जनपद के लिए, नगर पालिका के लिए और फिर पंचायत स्तर पे भी आप अगर गौशाला बनाएंगे, हमारी सरकार पूरी मदद देगी गौशाला बनाने के लिए। ये गांव गांव गली गली खेत खेत घूमने वाली गौ माताओं को बचाने की जवाबदारी हमारी सरकार की है। ये लूली लंगड़ी बूढ़ी अपाहिज निराश्रित ऐसी कोई गौ माता का कोई गोवंश होगा उसको भूखे नहीं मरने दिया जाएगा, उसकी चिंता भी हमारी सरकार करेगी। अभी तो इतनी सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि आपके यहां इस हमार कोर्ट में खास करके इस विधानसभा के पेच शंकर नदी को मिला करके नदी लिंक योजना के माध्यम से अमरवाड़ा और हरदोई में पीने के और सिंचाई के पानी का पूरा प्रबंध भी हमारी सरकार करने वाली है, जिसके माध्यम से हर घर जल, जल का नलका लग करके उसको पीने का प्रबंधन और हर खेत में पानी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारी सरकार। अरे, किसान का खेत अगर सरसब्ज होगा, पर्याप्त पानी मिल जाएगा तो उसके जीवन में तो वैसे खुशहाली आएगी, इसकी चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये हमारी सरकार चिंता कर रही। और आगे बढ़े, अमरवाड़ा खासकर पातालकोट में जो जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे जड़ी बूटियों वाले सारे क्षेत्र में कुटीर उद्योग के आधार पर हम उद्योग लगवाएंगे और उनके लिए भी आमदनी का रास्ता खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। आपको मालूम पड़ गया कि आयुर्वेद का क्या महत्व है। कोविड के टाइम पे कांग्रेस ही बड़ा आरोप लगा रहे थे नरेंद्र मोदी जी पे, थाली बजाने से क्या होगा, इनका इंजेक्शन का कह रहे थे कि ये इंजेक्शन नरेंद्र मोदी इंजेक्शन है। अब आप बताओ, इंजेक्शन से किस किस ने इंजेक्शन लगाया, हाथ खड़े करके बताओ। इतने लोगों ने इंजेक्शन लगाया, आप सबकी जान बची कि नहीं बची? कोई महाराज जी बताओ, कोई फैसला करा? तो ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त अमरवाड़ा से देख रहे थे। चुनाव प्रचार चल रहा है, चूंकि उपचुनाव होना है और उसी रण में सीएम यादव उतर चुके हैं। बता दें, कमलेश शाह के पक्ष में चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राधा रानी पर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर आज कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा आज बरसाना के श्री जी मंदिर पहुंचे, वहां दंडवत होकर राधा रानी से माफी मांगी। पिछले दिनों दिए गए प्रदीप मिश्रा के बयान पर साधु संतों ने भारी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर राधा रानी से माफी मांगे
बढ़ते विरोध को देखकर प्रदीप मिश्रा ने आज नाक रगड़कर माफी मांगी है। ये तस्वीरें आपके सामने। तो प्रदीप मिश्रा के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ था और उसके बाद से ही जो है अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी। साधु संतों में नाराजगी भी खूब देखी गई और साधु संतों ने कहा था कि नाक रगड़ करके माफी प्रदीप मिश्रा को मांगनी होगी और आज वो दिन आ गया जब प्रदीप मिश्रा पहुंचे और राधा रानी के सामने नाक रगड़ करके उन्होंने माफी मांगी। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ। तो प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है। लगातार विवाद गहराता जा रहा था और अब विवाद पर कहीं ना कहीं विराम लगाने के लिए उन्होंने ये पहल की कि अब माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो विवाद और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। चूंकि साधु संत लगातार उनसे नाराजगी भी जाहिर करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा भी था कि माफी मांगनी ही होगी अपने बयान पर, जिस तरह का बयान आपने दिया है राधा रानी को लेकर। अब पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे, ये देखिए दंडवत करते हुए नजर आए, यहाँ पे नाक रगड़कर उनके द्वारा माफी मांगी गई है राधा रानी के दरबार में। तो प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी मांगी, अचानक से बरसाना पहुंचे। ये भी बता दें कि कृष्ण के बजाय किसी और को बताया था राधा का पति और इसी को लेकर के विवाद छिड़ गया था और देखते ही देखते खूब सारे संतों में, महंतों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी और उसी पर अब विराम लगाने के लिए, इस झगड़े को शांत करने के लिए, इस विवाद को शांत करने के लिए प्रदीप मिश्रा पहुंचे अचानक से बरसाना और वहां पर दंडवत प्रणाम किया, नाक रगड़ी और माफी मांगी गई उनके द्वारा। वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं बरसाना की, जहां पर अचानक से वो पहुंचे। चूंकि इन जो विवाद चल रहे थे, इन विवादों को विराम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। विवाद चूंकि बढ़ता जा रहा था, सभी महंत संत लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे और अब इन्होंने माफी मांग ली है। बता दें कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर ये माफी मांगी है और वो दोपहर में बरसाना पहुंचे, राधा रानी के मंदिर में ये पहुंचे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उन्होंने नाक रगड़ी और माफी मांगी। और मध्य प्रदेश की खबरों पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, इसी बीच आपको बताया रायपुर के बाल सुधार गृह से 10 नाबालिग बच्चे फरार हो चुके हैं। फरार बच्चों पर गंभीर मामले भी दर्ज हैं। बता दें ये भी फरार बच्चों की तलाश में भी पुलिस जुटी है। माना बाल सुधार गृह से ये नाबालिग बच्चे भाग निकले हैं, खिड़की तोड़ी और वहां से फरार हो गए। दीवार फांद कर नाबालिग बच्चे यहां से फरार हो गए। कई सारे गंभीर आरोप इन पर हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, ये बाल सुधार गृह से बच्चे, नाबालिग बच्चे फरार हो गए हैं, गंभीर मामले भी इन पर दर्ज हैं। अब क्या पुलिस कह रही है, क्या क्या लापरवाहियां यहां पर बढ़ती गई जो ये बच्चे यहां से भाग निकले? जी बिल्कुल, मामला सुबह 4 से 5 बजे का है। यहाँ पर जो बाल सुधार गृह में बच्चे थे उसमें से 10 बच्चे आरोपी थे, मर्डर के आरोपी थे, रेप के आरोपी थे। इसके साथ ही कई गंभीर मामले इन पर थे। सुबह की मामला बताया जा रहा है जिसमें से खिड़की का रॉड सबसे पहले बच्चों ने तोड़ा, उसके बाद वहाँ से निकले और दीवार फांद कर भाग गए। हमारे ठीक सामने आप पीछे देख सकते हैं, वही बाल सुधार गृह है जहाँ बच्चों को रखा जाता है, माना कैंप में ये स्थित है। और यहाँ पे और भी कई बच्चे हैं, मामला लगातार सामने आता रहा है। हमने प्रबंधन से यहाँ पर बात करने की कोशिश की लेकिन प्रबंधन किसी प्रकार से कुछ कहने से बच रहा है। सीधे तौर पे यहाँ पर जो बाल सुधार गृह का जो प्रबंधन है उसकी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जो है वो 7 बच्चे फरार हो गए थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। अभी जो मामला सामने आया है, 10 बच्चे बड़ी संख्या होती है और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी गई है, पुलिस पतासाजी में जुटी हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, उज्जैन का जिक्र करते हैं। 65 साल के बुजुर्ग पर तान दिया रिवॉल्वर। जी हां, गांव में जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे ये युवक। तराना थाना के तहत एक गांव का ये मामला है। 65 साल के किसान के सिर पर रिवॉल्वर यहां पर तानी गई, ये अवैध रिवॉल्वर बताई जा रही है। रिवॉल्वर रखकर जान से मारने की धमकी दी। घटना का ये वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला अब दर्ज कर लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने, गुंडई बदमाशी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितना बेखौफ यहां पर हो चुके हैं ये बदमाश, की अवैध रिवॉल्वर लेकर पहुंचे हैं और सर पर तान दिए बुजुर्ग के। ज्यादा जानेंगे, जानकारी लेंगे अजय पटवा से। अजय, बदमाशी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और यहां पर अवैध रिवॉल्वर भी इस्तेमाल की गई है इन बदमाशों के द्वारा, क्या विवाद था, क्या स्थिति है, कैसी कार्रवाई की बात बताइए। जी, उज्जैन जिले में देखा जाए तो अवैध जो तरीके से जमीनों पर कब्जा करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उज्जैन तराना क्षेत्र में एक बुजुर्ग जो 65 वर्ष के किसान थे, उनकी कनपट्टी पर जो है अवैध रिवॉल्वर रखकर उनको धमकाया गया, क्योंकि लीज की जमीन को कब्जा लेने के लिए ये बदमाश उनको चमकाने के लिए आए थे और इसी दौरान अवैध रिवॉल्वर से उनको धमकाते हुए भी दिखाई दिए। ये वहीं खड़े लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया है। फिलहाल पुलिस ने जो है हत्या के प्रयास में 307 का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात पुलिस ने की है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी को साझा करने के लिए। अब आगे बात करेंगे सीधी के अतिक्रमण पर। यहां पर पंजा चलाए, कई दुकानों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों का हंगामा भी देखने को मिला। सांची दूध पार्लर न हटाने पर यह हंगामा किया गया। हंगामे के बाद पार्लर पर कार्रवाई हुई। संजय गांधी कॉलेज के पास ये कार्रवाई होना बताई जा रही है। सीधी की ये तस्वीरें जहां पर बुलडोजर चला, ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और दुकानदारों का हंगामा भी इस दौरान देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, दुकानदार इकट्ठा हो गए और कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आए। संजय गांधी कॉलेज के पास ही पूरी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर बुलडोजर चलाने के लिए टीम पहुंची। अतिक्रमण पर पीला पंजा चला और अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ हंगामा भी, कई दुकानों पर कार्रवाई हुई जिसका विरोध भी हमने देखा। आपको बता दें, दुकानदारों ने यहां पर खूब हंगामा किया, कई सारे सवाल खड़े किए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, पीला पंजा एक बार फिर से चला है, बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, दुकानदार यहां पर विरोध जता रहे हैं, क्या था मामला बताइए। बिल्कुल रितु, जिस तरीके से संजय गांधी कॉलेज प्रांगण की अगल बगल तमाम जो है तो अवैध तरीके से दुकानें संचालित थी, वहीं एक दुकान सांची पार्लर की भी संचालित थी। जहां जो अवैध दुकान संचालित थी वहां तो प्रशासन ने पीले पंजे की कार्यवाही करते हुए उन्हें हटा दिया, लेकिन जो सांची पार्लर था उसको परमिशन का हवाला देते हुए उसको नहीं हटाया था। यही कारण है कि जो तमाम जो दुकानदार वहां मौजूद थे वो हंगामा खड़ा कर दिए, जिसके बाद प्रशासन को फिर सांची पार्लर की जो दुकान थी उसे भी हटाना पड़ा है, तब जाकर पूरा मामला शांत हुआ है। हालांकि इस पीले पंजे की कार्यवाही से अब आक्रमणकारियों में हरकंप मचा हुआ है और अब देखना ये होगा कि आगे और कहां तक ये कार्यवाही चलती है।